कैसा लगा? अरे अच्छा लगा। आज कैसे पता चला कि इधर ये रास्ता कंप्लीट हो गया है? नहीं, ये तो आदमी अभी जा रहा था, ठीक है तो हाँ ओके। क्या बात है, और आप आ गए? अभी उद्घाटन नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ है। कहाँ से? छपरा से हैं? तो कितना देर में पहुंच जाएगा छपरा से पटना? कितना समय बचेगा इस? कितना समय बचेगा? बहुत टाइम बचेगा, लगभग 2 घंटे का, 3 घंटा लग जाता है जाम में। 1 घंटा है पटना? क्या बात है। तो आने वाला समय बहुत ही स्मूथ होने वाला है। 10 से 15 मिनट में लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। समय लगा है, लेकिन जो विकास की गाथा लिखी गई है वो काबिले तारीफ है। और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें मैं दिल से सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ये काम किया है, ये सार्थक प्रयास अपने बिहार को बदलने के लिए किया है। हालांकि योगदान तो हमारा भी है, क्योंकि बड़ी कठिन सफर को तय करके हम इन विकास की खबर को आप तक पहुंचाते हैं। अगर मुझे लीड मिलता PRO DPRO के द्वारा, अगर मुझे लीड मिलता कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो मैं वहाँ भी जाता। लेकिन अफसोस, बिना लीड के ही हम ये काम पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। और अफसोस इस बात का लगता है कि आज तक किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि भाई इंद्रसेन आप आइए और यहाँ का तस्वीर दिखाइए, वहाँ का तस्वीर दिखाइए। मन में एक तकलीफ होती है, लेकिन खुशी भी इस बात का है कि काम अपने बिहार में, बिहार के प्रगति का हो रहा है। चलिए एक राइड मारकर आते हैं, उस पार चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ वर्क प्रोग्रेस। सच बताएं तो मेरा मन काफी गदगद है, काफी खुश है, काफी अच्छा फील हो रहा है कि आज हम पहली राइड इस पर ले रहे हैं। पटना जिला से छपरा जिला में आना होगा मात्र 10 मिनट में। हो जाइए तैयार, क्योंकि बिहार में एक और रास्ता बनकर हो गया है तैयार। आसान हो गए हैं रास्ते, खत्म हो गया है दुर्गम रास्तों का सफर। सड़कों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक कीजिएगा, इसकी सुरक्षा आपके हाथ और हमारे हाथ। ढलते हुए सूरज की तरह ढल गया है दुर्गम सफर। खुशी है गम, बढ़ते जाए कदम, ना थके आप और ना थके हम। बिहार के विकास की गाथा आप तक पहुंचाते हैं हम। उसी कड़ी में एक और विकास की गाथा आप तक लेकर हाजिर है हम। अब पटना और सारण जिले की दूरी सिमट गई है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, निवेदन है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हाजीपुर छपरा पटना छपरा 4 लेन रोड का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी बन रहा है। हाजीपुर छपरा 4 लेन रोड का एक हिस्सा इधर कंप्लीट हुआ है और अब गाड़ियां जो है इस पर कुछ कुछ दौड़ने लगी है। हालांकि इसका एक पार्ट अभी मीडियन के साथ, ये वाला पार्ट अभी नहीं बना है, लेकिन इधर वाला पार्ट बन गया है, जिसकी वजह से गाड़ियां स्मूथली आ जा रही है। फिलहाल इसको कनेक्ट करने, इससे कनेक्ट हुआ है एक और नया रास्ता, जो सीधे आपको बिना किसी ट्रैफिक की समस्या को झेले हुए आपको आपकी मंजिल तक, यानी कि पटना जिले तक ले जाएगा और पटना जिले से सारण जिले में लेकर के आएगा। आज उसी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी काम ने रफ्तार पकड़ लिया है। हाजीपुर छपरा 4 लेन रोड के एक साइड को बराबर करने का ये देखिए रफ्तार पकड़ लिया है। पहले इसके पहले वैसा कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काम हो रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश, ये इस तरफ पे आगे जा करके फिर वो इसी तरफ आता है, ये जो लेन है यहीं तक है, उस तरफ नहीं बना है, लेकिन उस तरफ भी काम चल रहा है। यानी कि जहाँ पर नया वाला अप्रोच रोड शुरू हो रहा है दीघा सोनपुर ब्रिज का, वहां पर ये दोनों साइड रोड का काम शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं उस तरफ भी रोड का काम शुरू हो गया है और इस तरफ भी रोड का काम शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी घुमाने के लिए चौड़ी सड़क की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये रोड बन करके ये तैयार हुआ है। यहाँ पर भी ये कंक्रीट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं ये काम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है,
रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। ये यहाँ पे ये अप्रोच रोड का यहाँ से स्टार्टिंग है, जो आपको यहाँ से सीधे 10 मिनट में पटना लेकर के जाएगा। 10 मिनट में आप आसानी से पटना पहुँच जाएंगे, ये हम बार बार आपको कहते आए हैं, जो सच है आप पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए आपके हाजीपुर छपरा 4 लेन रोड की तस्वीर है, जिस पे ट्रैफिक बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। आने वाले समय में, अभी तो फिलहाल रेलवे लाइन पे काफी जाम रहता है, लेकिन आने वाले समय में जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, और टॉप सीक्रेट बातें किसी को कहिएगा नहीं, 11 जून को इसका उद्घाटन होने वाला है। लालू जी का जन्मदिन है और उसी दिन उसका उद्घाटन होने वाला है इस पुल का। आपको तो पता ही है कि 2017 में 11 जून को ही दीघा सोनपुर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, और 11 जून 2017 को ही जो आपका डोरीगंज वाला पुल है, आरा छपरा पुल है, उसका भी उद्घाटन उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव भी पथ निर्माण मंत्री थे, उनके कर कमलों को द्वारा किया गया था। तो ये खबर तो 11 जून फेल भी नहीं होगा जहां तक हमको लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं ब्लैकटॉप वगैरह सब कुछ हो गया है, मार्किंग नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हो जाएगा। साइड वाला जो बॉल है वो भी बन गया है, ये देख सकते हैं। हालांकि बोल्डर पिचिंग या घास जो भी लगाने का काम है वो अभी नहीं लगा है, वो लग जाएगा। जो मीडियन है, मीडियन पे अभी पौधे नहीं लगे हैं, लेकिन वो लग जाएगा, क्योंकि ये लोग दिन रात आंधी तूफान की तरह काम कर रहे हैं। सोचिए वो एम्बुलेंस को पटना जाने में अभी रेलवे फाटक से जाना पड़ता है या आना पड़ता है, तो कितना समय लगता है। अभी वो वहाँ से आएगा सीधे इस तरह से घूम करके और सीधे 10 मिनट पटना पहुँच जाएगा। गंगा पथ होते हुए 15 मिनट में PMC पहुँच जाएगा। तो सोचिए ये मार्ग कितना आसान था लोगों के लिए। चलिए एक राइड मार कर आते हैं, उस पार चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ वर्क प्रोग्रेस। तो चलिए श्रीमान एक राइड मारते हैं और राइड मार करके इसकी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस हिसाब से ये अप्रोच रोड जरूरी था बिहार वासियों के लिए, सारण वासियों के लिए, छपरा वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए, सोनपुर वासियों के लिए, वैशाली वासियों के लिए, हाजीपुर वासियों के लिए कितना जरूरी था। जब ये बन रहा था, तो जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी बनना, तो हमने इसका पल पल का रिपोर्ट आपको दिया। हालांकि व्यू जब मिलता है वीडियो पे, तो लोग स्वतः कई यूट्यूबर आ जाते हैं उस प्रोजेक्ट का अपडेट देने के लिए। वही हुआ इसके साथ, यहाँ पे कई यूट्यूबर आए। यहाँ पर देखिए कि इनका जो साइड जो ट्रस होता है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। अभी समय है, 11 जून को अगर उद्घाटन होना है, पेंट वगैरह भी देखिए यहाँ पे हो गया है। ये आपका एम्बैकमेंट अंडरपास है, जो नीचे से अपडेट देते थे वहां से बारिश के मौसम में आते थे। और ये देखिए यहाँ पर ये इनका व्हाइट पेंट हो चुका है, और ये आपका मॉस्टेक भी कर चुके हैं, और इस तरफ इनका कुछ कुछ जो जेब्रा कलर का होता है वो नहीं हुआ है। उधर देखिए ट्रेन आगे रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए घंटों लोग इंतजार करते हैं, जो अब नहीं होगा। वो देखिए वो ट्रेन जा रही है सिवान के तरफ, छपरा के तरफ सोनपुर से आ रही है, तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पे काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लाइट का व्यवस्था है, कि लाइट का व्यवस्था है, तो वो लगे हैं, खंबे लगे हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो लगने वाला लगा नहीं है, वो सामने आप देख सकते हैं। तो मॉस्टेक वगैरह जो कर चुका है, हो चुका है, वो सब देख सकते हैं। वहाँ दोनों साइड आपके एकदम पूरी तरह से कम्प्लीट है, कहीं पर इफ बट नहीं है। और ये थोड़ा सा काम जो है बचा हुआ है, वो फिनिशिंग बचा हुआ है आने जाने के लिए, उधर पैदल पैदल चलने के लिए ये है। ये देखिए ये पैदल आपको लेकर के आप चल जाएंगे। इधर मोटे मोटे पाइप से कवर किया गया है क्षेत्र को, और ये देखिए काफी सुंदर दृश्य, काफी सुंदर सफर होने वाला है, ये देख सकते हैं। बहुत सच बताएं तो मेरा मन काफी गदगद है, काफी खुश है, काफी अच्छा फील हो रहा है कि आज हम पहली राइड इस पर ले रहे हैं। 11 तारीख को, मतलब 10 दिन बाद ये शुरू हो जाएगा। अगर 11 जून के पहले आप देख रहे हैं वीडियो को, तो इसका शुभारंभ होना है। और अगर 11 जून के बाद देख रहे हैं 11 जून के बाद देख रहे हैं, तो ये देखिए लोहे के ट्रस जो नीचे रखा करते थे, और कितना मुश्किल से रेलवे लाइन, वहां पर देखिए रेलवे लाइन, और वहां पर देखिए ट्रैफिक। अभी रेलवे लाइन बंद है, वहां पर जाम लगा हुआ है। तो ये तस्वीर यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, और 4 लेन है। सबसे बड़ी बात है कि 4 लेन आपका ब्रिज हो जाता है, इतना चौड़ा रेलवे लाइन, गाड़ियों की कतार लगती है, तो लंबी कतार यहाँ पर लगती है, और लोग काफी इंतजार करते हैं तब जाकर के गाड़ियाँ रेलवे लाइन से
करके वो देखिए शुरू हो गया वहाँ पर, देखिए वो देखिए वहाँ से दिखाया करते थे, अभी आप यहाँ से दिखाते हैं तो देखिए तो ये ट्रैफिक की व्यवस्था ही है। उस रेलवे लाइन पे इतना जाम लगता है, और जो इसके बन जाने के बाद अब लोग आसानी से आएंगे, उनका समय बचेगा, काफी समय बचेगा। ये ट्रस, ये लोहे का ट्रस आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और काफी प्यारा। ये देखिए ऊपर से भी ये आपको आसमान दिख रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। ये ट्रस हैवी ट्रस, दो ट्रस इस पर रखे गए हैं। ये देखिए कितना लंबा ये पुल है। ये देख सकते हैं साइड में घेराव किया गया है, बड़ा सा घेराव किया गया है। ये देखिए ये सेफ्टी के लिए ये किया गया है। तीन पटरियां हैं यहाँ पर, तो इसकी चौड़ाई आप समझ सकते हैं कि कितना हो सकता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो आने वाला समय बहुत ही स्मूथ होने वाला है, 10 से 15 मिनट में लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। समय लगा है, लेकिन जो विकास की गाथा लिखी गई है वो काबिले तारीफ है। और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें मैं दिल से सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ये काम किया है, ये सार्थक प्रयास अपने बिहार को बदलने के लिए किया है। हालांकि योगदान तो हमारा भी है, क्योंकि बड़ी कठिन सफर को तय करके हम इन विकास की खबर को आप तक पहुंचाते हैं। अगर मुझे लीड मिलता PRO DPRO के द्वारा, अगर मुझे लीड मिलता कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो मैं वहाँ भी जाता। लेकिन अफसोस बिना लीड के ही हम ये काम पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, और अफसोस इस बात का लगता है कि आज तक किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि भाई इंद्रसेन आप आइए और यहाँ का तस्वीर दिखाइए, वहाँ का तस्वीर दिखाइए। मन में एक तकलीफ होती है, लेकिन खुशी भी इस बात का है कि काम अपने बिहार में बिहार के प्रगति का हो रहा है। देखिए रंग रोगन कर रहे हैं काफी मेहनत से, कोई इससे को रंगता है प्लीज थूक करके इसको बर्बाद मत कीजिएगा, रंगीन मत कीजिएगा। आपको रंगीन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहले ही रंगीन कर किया जा रहा है। बस इसको मेंटेन रखिएगा कि जितना साफ सुथरा दिख रहा है उसे साफ सुथरा रखिएगा। देखिए अभी गाड़ी पूरी निकली भी नहीं है, और वहाँ पर देखिए यही स्थिति था रेलवे लाइन वहाँ पर, अब सायरन दे रहा है बंद करने के लिए वो गुमटी, रेलवे गुमटी। तो ये समस्या थी जो अब 8-10 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर 11 जून को इसका उद्घाटन होता है तो खत्म हो जाएगी, और कहने की जरूरत नहीं है। हमारे बिहार प्रदेश के नेता लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, और उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव पथ निर्माण मंत्री हैं, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। एक पुत्र की तरफ से एक पिता को सौगात, जन्मदिन की सौगात, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने वीर कुंवर सिंह सेतु और दीघा सोनपुर ब्रिज के का दिया है उन्होंने उनके जन्मदिन पर तोहफा, लेकिन ये भी एक तोहफा 2023 का होगा उनके लिए। तो यहाँ पर मैं पीछे बोल दिया था कि व्हाइट और ब्लैक कलर का जेब्रा कलर का पेंट होगा, हो रहा होगा, लेकिन नहीं, इस तरह पेंट हुआ है, देख सकते हैं येलो और ब्लैक कलर का जो आपको पूरे में दिखेगा, उस तरह भी कुछ पेंट हो गया है और कुछ बचा हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने है, ये देख सकते हैं। ये हम पटना की तरफ, अगर यहाँ से रनिंग भी करेंगे तो 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। चूँकि वर्णन करना पड़ा है तो वीडियो का लेंथ, यहाँ पे देखिए लाइट के लिए खंभे लगे हुए हैं और सब में नंबरिंग भी किया हुआ है, ये खंभे भी लगेंगे यहाँ पर। यहाँ पे तारकोल रखा हुआ है, और देख सकते हैं कि ये आपका पूरा ये किया हुआ है। तो इस तरफ जो पार्ट है, इस तरफ तो बहुत पहले ही कम्प्लीट हो गया था, बचा हुआ था उधर ही, तो वो भी अब आपको कम्प्लीट हो गया है। अब रोलर वगैरह जो है स्थिर है, अपना काम करके आराम से खड़ा है अपनी जगह पर। तो ये सब चीजें आपको बदलता बिहार और बदलते बिहार की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए ये पुराना वाला NH, ये भी हाजीपुर छपरा रोड ही है, NH ही है, लेकिन उसका वो बाईपास उधर निकला है। तो यहाँ पर देखिए कि पटना जाने के लिए लोग नीचे से आते हैं, तो इधर भी कट दिया हुआ है जो उद्घाटन हो गया था इसका, ठीक है। और अब ये आपका फिर से एक उद्घाटन उसका होने वाला है। ये तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मशीन वगैरह सब अपना काम करके कह रहा है कि भाई हमने अपना काम कर दिया है,
अब आप लोग हिफाजत से इसका उपयोग कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा, ताकि लंबे समय तक आप इसका लाभ उठा सकें। और मेरी भी विनती यही रहती है हमेशा कि जो चीज़ बना है अपने बिहार में बन रहा है, बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही दिक्कत से बन रहा है, तो कृपया करके इसका इस्तेमाल अच्छे से करें, ताकि ये लंबे समय तक चले और आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें। तो ये हम आगे ये छोटा सा वीडियो, ये छोटे से पुल का, फ्लाईओवर का, रेलवे ओवर ब्रिज का आपके सामने, और यहाँ से हम सीधे पटना की तरफ बढ़ जाएंगे। ये तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है आपके उस अप्रोच रोड का जिसका निर्माण हो चुका है, अब लोग इस पे ड्राइविंग करने लगे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है बिहार के विकास के प्रगति की राह पर जो अपना बिहार है उसकी, तो यही तस्वीर आपके सामने। तो यही अपडेट है इस प्रोजेक्ट का। अब 11 जून से आप इस पे फराटे भर सकते हैं, हमने तो फराटे भर लिए हैं, अब बारी आपकी है। उम्मीद है बिहार के विकास की ये तस्वीर आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इंद्र सेन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।